हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वक्त हम है बाराला लेक में। बाराला लेक आता है भिवंडी सिटी में। भिवंडी सिटी में हम आए हैं भिवंडी बाईपास से। भिवंडी बाईपास से हम आए हैं टू व्हीलर पे। वहाँ से जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर है। दामनगढ़ नाका के यहाँ से जो है, यहाँ से रास्ता आता है भाजी मार्केट में अंदर एंटर होके। और ये जो है लेक है, लेक के साथ साथ गार्डन भी है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा लेक है जो हम आज घूमने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पे वाराला देवी टेम्पल भी है जो पिछले ब्लॉग में हम घूम चुके हैं, जिसका ब्लॉग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में टेम्पल ब्लॉग में आपको वाराला देवी टेम्पल का ब्लॉग मिलेगा, जिसमें हम टेम्पल घूमे हैं। और हम अभी आगे निकल चुके हैं। ये तालाब का ही किनारा है जहाँ से पानी बह रहा है बारिश के वजह से, और काफ़ी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो ये पूरा जो है हमने एक राउंड लगाया है। हमें जो है पूरा 10 to 15 मिनट्स एक राउंड लगाने में लगेगा अगर हम गोल घूमेंगे तो। और यहाँ पे जो है एक मैदान की तरह है और एक ये तालाब का किनारा है। तो यहाँ पे जो है कुछ खेलने की स्पोर्ट्स की जगह है। और यहाँ से जो है हमें छोटे मोटे हिल भी दिख रहे हैं, मीन्स काफ़ी बड़ा तालाब है। वेलकम गाइस टू आवर चैनल। आज हम लोग भिवंडी के वराला लेक पर आए हुए हैं और आज हम लोग वराला लेक एक्सप्लोर कर रहे हैं भिवंडी में। तो नीलेश है आज आपके साथ। तो गाइस, एक्चुअल में हमारा पालघर का प्लानिंग था, लेकिन जो है काफ़ी बारिश लग रही है और अभी एट प्रेजेंट भी बारिश चालू है। तो हमने जो है, वैसे में ये वराला देवी टेम्पल हम घूम चुके हैं पिछले ब्लॉग में, वराला लेक भी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन हम जो है आज वापस से एक बार वराला लेक एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा लेक है और गार्डन है आसपास में। एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, ये अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो अभी जो है हम दूसरे एक लोकेशन पे आ गए हैं और उसके बाद बाहर से भी मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा दूंगा। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस व्लॉग में मिल जाएगा। और काफ़ी दिनों बाद विदेश मिला है। तो विदेश को अचानक ये प्लान हो गया। वैसे आज मुझे भी छुट्टी थी, काम नहीं था, आज संडे था और मैं बोला अभी अकेले कहाँ जाए बारिश में, तो इसके लिए फिर वैसे मैं याद किया, बोला चलो नीलेश अब आज कहीं अपन कुछ घूम के आते कुछ अच्छे स्पॉट पे, और स्पॉट भी एक्सप्लोर हो जाएगा और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी एक नया जगह उनको देखने को मिल जाएगा। और वैसे मैं ब्रजेश को अचानक से बोलता हूँ तो ब्रजेश थोड़ा अचानक से प्लान हो जाता है हमारा, और आज ब्रजेश ने अचानक बोला तो इसको नहीं बोलने को दिल नहीं होता। सब अचानक में ही होता है हमारा, क्योंकि सब क्योंकि दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं ना, इसके लिए फिर वो टाइम निकल नहीं पाता है। ये एक जस्ट हॉबी भी है हमारा, ट्रैवल व्लॉग्स पे काम करना मेरा। बस तो उसमें जो है हमारा भी हो जाता है घूमना और कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर हो जाता है। तो यहाँ का थोड़ा सा व्यू ये देखिए गाइस, बहुत ब्यूटीफुल तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है ये। ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल तालाब है। वाह, इधर कुछ खेल भी ग्रीनरी है। अभी फिलहाल बारिश है तो स्पोर्ट्स वगैरह बच्चे लोग आके यहाँ पे खेलते रहते हैं। फिलहाल क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ पे, तो ग्रीनरी काफ़ी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जब बारिश नहीं होती होगी तो वो टाइम पे यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती होगी घूमने के लिए। फैमिली है, पब्लिक आती है। अभी क्या बारिश है ना, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक नहीं दिखेगी, लेकिन बारिश नहीं रहने पे काफ़ी अच्छी पब्लिक यहाँ पे डेफिनेटली आती होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेस है और काफ़ी बड़ा तालाब है। मतलब घूमने में पूरा दिन चला जाएगा आपका, इतना बड़ा तालाब है ये। हाँ गाइस, हम और भी फिर आगे आपको दिखाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। गाइस, हम लेक घूम के अभी जो है टेंपल के यहाँ पे आए हैं, और ये टेंपल से टच में भी तालाब है यहाँ से, और काफ़ी क्राउड है टेंपल में। मैं आपको दिखा दूँगा थोड़ा सा बाहर से, यहाँ से जो है नीचे प्रसाद थाली वगैरह सब हमें मिलता है। और ये देखिए टेंपल का क्राउड, काफ़ी क्राउड है। तो हम जो है बाहर से ही जा रहे हैं, और यहाँ पे हनुमान भगवान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जो बाहर से भी हमें दिख रही है।